हेलो फ्रेंड्स, आफरीन के किचन में आपका स्वागत है। आप सभी को ईद मुबारक हो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक खास रेसिपी और वो है ईद स्पेशल शीर खुरमा। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। वैसे तो हम सभी का बनाने का अपना तरीका होता है, लेकिन मैं आपके साथ मेरा तरीका शेयर करूंगी जिस तरीके से हम लोग शीर खुरमा बनाते हैं। ऐसा तरीका आपने अभी तक नहीं देखा होगा, बहुत ही यूनिक तरीका है और यह हमारी सीक्रेट रेसिपी है जिससे कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस ईद पर आप भी इस तरीके से शीर खुरमा बनाइए। तो पूरा तरीका जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ईद वाला स्पेशल शीर खुरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पतीला। इसमें डालेंगे 1.5 लीटर दूध। तो दूध आप हमेशा अच्छा ही लें। गैस को ऑन करेंगे और दूध को उबलने देते हैं। तो दूध में उबाल आना शुरू हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे 40 ग्राम चावल जिसे हमने अच्छे साफ करके धोकर रख दिया था लगभग 2 से 3 घंटे के लिए। तो इसमें डाल लेते हैं, इन्हें चलाएंगे। आंच को कर लेंगे मीडियम, वो मीडियम फ्लेम हम थोड़ा चावल गलने तक वैसे पकाएंगे। तो इसमें हल्की हल्की उबाली आनी शुरू हो चुकी है, तो इसको हम पकने देते हैं। वही दूसरे गैस पर हम चढ़ाएंगे एक दूसरा पैन। तो हमने पैन रख लिया है, इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच देसी घी। गैस को ऑन करेंगे और घी को मेल्ट होने देते हैं। तो घी मेल्ट हो गया, इसमें हम डालेंगे सेवैया। तो हमने 50 ग्राम बारीक सेवैया ली है, अच्छे से इसको भूनेंगे इसमें। तो सेवैया को हमेशा काम आंच पर ही भूने। तो सेवैया हमारी अच्छे से भून चुकी है, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। तो इसमें हम डालेंगे 150 ग्राम मावा, ये बाजार वाला मावा है। इसे हमने अच्छे से हाथों से कद्दूकस कर लिया था, इसमें मिक्स कर लेते हैं तो मावे को इसमें भूनने के साथ में। तो ये दोनों अच्छे से भून चुके हैं, तो गैस को कर लेते हैं बंद और ये सारा मिश्रण जो हमने तैयार किया है डाल देंगे हमारी खीर में, इससे कि इसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा। इनको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स और इसे अच्छे चावल को पकने तक पकाएंगे। ये जो शीर खुरमा है बहुत जायकेदार बनता है, इसे आप जरूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया बनता है ये। तो इस ईद पर आप इसे जरूर ट्राई करें। तो इसे पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल चावल को अच्छे तक गलने तक। तो इसे पकने दो, बीच बीच में चलाते जाए ताकि ये पैदे में जले नहीं, नहीं तो हमारे शीर खुरमे का टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो शीर खुरमे को पकते हुए लगभग 12 मिनट हो चुके हैं। तो इसमें हम डालेंगे अब ये कटे हुए पिन खजूर। तो हमने 8 से 10 पिन खजूर लिए, गुठली निकाल के से कट कर लिए हैं। तो इसमें डाल देते हैं ताकि अच्छा सा इसमें कलर आ जाए, पक भी जाएंगे। और डाल देते हैं साथ में किशमिश। तो हमने थोड़ी किशमिश को 2 से 3 घंटे पानी भिगो दिया था, इसमें डाल देते हैं, बाकी का हम बाद में डालेंगे। तो इन्हें पकने देते हैं। तो शीर खुरमे को पकते हुए लगभग 18 मिनट करीब हो गए हैं, इसको हिला लेते हैं। देखिए कितना कलर इसका बेहतरीन आया है। सिवैया तो जल्दी से गल जाते हैं, चावल को चेक कर लेते हैं। तो बर्तन में थोड़ा चावल उठाएंगे और इसको चेक करेंगे। तो एक चावल हम देखते हैं, जब इसे हाथ में मसलने तो बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। तो बस हम डालेंगे अब शक्कर। तो हमने 2/3 कप शक्कर लिया, अगर वजन से देखें आप तो 125 ग्राम करीब शक्कर है ये, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सबको।
आज को हम बिल्कुल कम कर लेंगे और इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट किए, थोड़ा सा हमने काजू, थोड़ा बादाम और थोड़ा हमने लिया है खोपरा, जिस खोपरे को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है ग्रेटर से। तो ये सब चीजें अच्छे से मिल चुकी हैं, तो हम अब करेंगे बिल्कुल गैस को कम और इसको ढक देंगे लगभग 10 मिनट के लिए प्लेट से। एक 10 मिनट में सभी चीज अच्छे से मिल जाएंगे और बिल्कुल हमारे चावल वगैरह सब अच्छे से घुट जाएंगे, तो हमारी खीर बिल्कुल तैयार है। अब इसके बाद तो 10 मिनट होगा, इसे खोल के देख लेते हैं। देखिए कितनी लजीज खीर दिख रही है, तो इसको चला लेते हैं एक बार। एकदम परफेक्ट इसका टेक्सचर हुआ है, तो ये सब कुछ आपस में अच्छे से मिल चुका है। तो गैस को कर लेते हैं बंद और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे हम सर्व करेंगे। तो खीर ठंडी हो चुकी है, एक बार इसे हिला लेते हैं। देखिए कितनी लजीज नजर आ रही है। तो इसको सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए हमने लिया है एक बाउल, तो इसमें निकाल लेते हैं। आप चाहे थोड़ी गाढ़ी या पतली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बाकी शीर खुरमा थोड़ा सा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। तो इसको थोड़ी गार्निश कर लेते हैं। तो हमने लिए हैं थोड़े बारीक कटे हुए पिस्ते, थोड़ा डालेंगे कटे हुए बादाम जिसे बिल्कुल बारीक कट किया हमने, इसके ऊपर फिर से डालेंगे थोड़ी पिस्ता के कतरन। तो लीजिए तैयार है ईद स्पेशल शीर खुरमा। देखिए कितना लाजवाब शीर खुरमा बना है, इसका टेस्ट इससे भी ज़्यादा लाजवाब है। हमने आपके साथ हमारी स्पेशल रेसिपी शेयर की है, तो आप भी इस तरीके से अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करें, सभी आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। और हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये स्पेशल शीर खुरमा कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।